हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनर। मैं हूँ राजेश। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज जनता कर्फ्यू के दिन सारे के सारे लोग घर पे रहेंगे, तो जो कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे हो। तो अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं आज फिल्म को सजेस्ट कर, ये फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ, अपने घर के बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हो, आप इंजॉय करोगे। कहने को तो मैं बहुत सारी फिल्म रिकमेंड कर सकता था, लेकिन ये फिल्म मुझे पर्सनली अच्छी लगी और मैं सोचा कि यार इस मूवी का रिव्यू किसी ने किया नहीं और शायद बहुत कम लोगों ने इस फिल्म को देखे होंगे। तो चलो इस मूवी की आज बात करते हैं। ये मूवी आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म कहाँ मिलेगी इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक देने की कोशिश करूंगा जहां से आप लोग इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हो। ये मूवी एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। ये मूवी सेट है 1948 में, जहां पर हमें स्पाइडरविक स्टेट बताया था, जहां पर रहने वाले अर्थर स्पाइडरविक कुछ ऐसे क्रीचर्स के बारे में एक किताब लिखते हैं जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ लिखा रहता है और बहुत कुछ अच्छा लिखा रहता है। लेकिन मैं बता दूं, जहां पर अच्छाई होती वहां पर बुराई भी होती। तो उस किताब के पीछे कुछ बुरे इवल, कुछ बुरे क्रीचर्स पड़े, जैसे कि ऑर्क मुलगराज। खैर, अब इस बात को होकर 80 साल हो चुके, अर्थर स्पाइडरविक और उसकी फैमिली का कोई अता पता है नहीं, लेकिन वो जादुई किताब अब भी उस घर में मौजूद है। लेकिन अब उस घर में रहने के लिए हेलेन और उसके दो जुड़वा बच्चे और उसकी बेटी। तो उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, क्या वो जादुई किताब किसी के हाथ लगती है, और अगर किसी के हाथ लगती तो क्या वो इवेल क्रीचर और मुलगराज अभी भी जिंदा है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स। अब मैं बता दूं कि ये मूवी मुझे कैसे लगी। तो देखिए, स्टार्ट से लेकर एंड तक ये आपको एंगेजिंग रखती है। सिर्फ 1 घंटे 35 मिनट की फिल्म है, जहां पर आपको काफी एडवेंचरस चीजें देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में आपको अलग अलग क्रीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रोल्स देखने को मिलेंगे, गॉब्लिंस देखने को मिलेंगे, हब गॉब्लिंस देखने को मिलेंगे, ब्राउनीज देखने को मिलेंगे, बोगार्ड्स देखने को मिलेंगे, यानी कि अलग अलग मैजिकल क्रीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करो तो आपने हैरी पॉटर या इससे रिलेटेड जितनी भी एडवेंचरस फिल्म है जहां पर आपको कुछ मैजिकल चीजें देखने को मिली, तो वहां पर किस तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, बिल्कुल उसी तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो आपको एक अलग दुनिया में लेके चला जाता है। प्लस सीजीआई की बात करो तो सीजीआई कई कई जगह पे बहुत अच्छा है, कई कई जगह पे एवरेज सीजीआई है। लेकिन कुल मिला के कहानी की बात करो, एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो, तो ये फिल्म आपको बहुत अच्छी लगेगी और स्पेशली बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। हर एज के बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं और डेफिनेटली उन लोगों को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। और स्पेशली जो बड़े लोग, जब आप देखोगे बच्चों लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो आप लोग को खुद ब खुद अच्छा लगेगा। और अगर आप जनता कर्फ्यू का पालन कर रहे हो तो मुझे दिल से आप लोगों को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हो बहुत ही बड़ा एक योगदान है, मैं तो बोलूंगा। और हम लोग कोशिश करके इस कोरोना वायरस को जल्द से जल्द हमारे इंडिया से खत्म कर देंगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो साथ ही बेल आइकन उसमें ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देना। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, तो मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों ही जगह पे इस मूवी का लिंक डालने की, जहां पर आप इस मूवी को जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।